Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel, Dax Tutorials. आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, In which quadrant or on which axis do each of the following points? -2.4, 3.-1, -1.0, 1.2 and -3.-5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. यानी उनको पहले ये बताइए ये किस एक्सिस पर और किस क्वाड्रेंट में होंगे और फिर इस आंसर को वेरीफाई करिए बाय लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। चलते हैं, पहला ऐसा क्वेश्चन आपको पहला नंबर दिया है -2.4, तो आप देख रहे हैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो हमारा किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा और वाई पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, आप कौन सा पहुंचे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, वैसे भी फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव हमारा किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट दिया फिर उसके बाद फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव तो हमारा किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया और फर्स्ट नेगेटिव और दूसरा जीरो हमने बोला था कि जिसमें जो ऑर्डिनेट जीरो होता है वो किस एक्सिस पर होता है एक्स एक्सिस होता है और जिसमें एब्सिसा जीरो होता है वो वाई एक्सिस पर होता है, तो ये लाइन ऑन एक्स एक्सिस आएगा नाइदर एनी क्वाड्रेंट, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा और ये ऑन एक्स एक्सिस होगा, दूसरा 1.2 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और -3.-7 दोनों नेगेटिव है तो हमारा किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको जो हमने ये लिखा है इसको वेरीफाई करना है बाय प्लॉटिंग ऑन कार्टेशियन प्लेन, ये हमने कार्टेशियन प्लेन आपका ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इसने 1 इसके लिया ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट मान करके, अब आप देखते हैं जैसे -2.4 है तो यहां 0 पकड़े होते हैं -2.4 इधर आया ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमने पहले सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने पहले से ही देखा हुआ है, इसके बाद 3.-1 3 ये हो गया -1 कौन सा पहुंचा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमने लिखा हुआ है, इसके बाद आपका -1.0 -1.0 हमारा पहुंचे में एक्स एक्सिस पर आया तो वही हमने लिखा हुआ एक्स एक्सिस पर और 1.2 हमारा किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट इंडिकेट किया है, लास्ट आपका -3.-5 हमारा ये पॉइंट किसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और इस तरीके से ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, इस तरीके से ये सभी हमने जो बताए थे उसको हम प्लॉटिंग करके भी वेरीफाई हो गए। After that, your question number second in which plot the points x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis. आपको ये टेबल दी हुई है इसमें वैल्यू दी हुई है x की -2, -1, 0, 1 और 3 और y की दी है 8, 7, -1.25, 3 और -1। इनको x एक्सिस और y एक्सिस मान के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इनको x y की फॉर्म में है कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें क्या करना है उस पर प्लॉट करना है एक सूटेबल इसके लिए करिए, तो पहले हमने कार्टेशियन प्लेन आपको खींच लिया है इसमें हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया, अब इनको हम इस पर प्लॉट करते हैं जैसे -2.1 पहला बनेगा -2.1 तो -2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा और 8 हमारा इधर आगे -2.1 ये पॉइंट हो गया हमारा -2.1। दूसरा हमारा है -1.7 -1.7 हमारा यहाँ पर 7 तक आ जाएगा ये पॉइंट हो गया -1.7। इसके बाद 0.-1.25 बन आता हो गया 0.25 1/4 पार्ट होता यानी इसी लाइन पर आ जाएगा हमारे यहाँ इसका एक 1/4 पार्ट हो जाएगा और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा इसके द्वारा 0.-1.25। इसके बाद है 1.3 तो ये 1.3 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा 1.3। इसके बाद है हमारा 3.-1 3.-1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा तरीके से हमने ये दिए हुए नंबर एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में प्लॉट कर दिए। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है और चैप्टर भी फिनिश होता है। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। लास्ट आई वांट टू सी दैट पढ़ो घर से कहो दिल से दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537.